नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। कांग्रेस पार्टी के यूथ कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह भदौरिया और पिंकी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल पर लगाए गए गंभीर आरोप। भिंड जिले में अवैध रेत उत्खनन पर अंकुश लगाने में प्रशासन नाकाम। प्रदेश सरकार के द्वारा अवैध उत्खनन कराने पर बारिश के दौरान प्रतिबंधित है, फिर भी सरकार के नुमाइंदे अवैध रेत उत्खनन कराने में जमकर मनमर्जी के माफिक काम कर रहे हैं, जो कि गलत है। न कि इस और सरकार ध्यान दे रही है और ना ही आला अधिकारी दिन रात अधिकारियों के नाक के नीचे अवैध खनन का कारोबार फल फूल रहा है, जिससे एक ओर पर्यावरण को तो हानि हो ही रही है, वहीं दूसरी ओर लाखों का राजस्व भी नुकसान हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ऐसी नीति के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जनता की परेशानी पर अंकुश लगाने के लिए हम तिरंगा यात्रा 9 अगस्त को निकालकर आम जनता की परेशानी पर आवाज बुलंद करेंगे और भ्रष्ट लोगों की कार्यशैली पर अंकुश लगाने के लिए आगे बढ़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर रिपोर्ट के लिए भिंड से ब्यूरो इमरान अली खान की रिपोर्ट। समाज जैसे कार्य कर रही है, जहां भिंड शहर में कई सड़कें खुली पड़ी हैं, उन पर कार्य नहीं हो रहा है। कई ऐसे ठेकेदार हैं जो भिंड की दशा देखी है। टाटा कंपनी भिंड में काम कर रही है, पूरा भिंड हमारा खुदा डला है। 70-80% भिंड की हर गली खुदी डली हुई है। इस बरसात के काल में बहुत बुरी स्थिति भिंड की हो रही है। कोई उनका कोई नहीं है, कोई नियम कायदे ही नहीं है। कितना उन्हें खोदना है, कितने भी बनाना है। हमने तो सुना था 100 मीटर जब वो खोदेंगे तो उसकी सैंपलिंग करके पाइप डाल के उनको हल्के सीसी करके देना, लेकिन अभी तक ना तो उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई की है, ना वो काम कर रहे हैं। हमारा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि हम भिंड की जितनी भी रोड खोदें, भले 1.5 किलोमीटर खोदें, लेकिन वो तुरंत सीसी करके दें। बरसात का टाइम है। दूसरा हमारा नियम उनसे ये है कि बरसात तक तो वो काम करें ही नहीं, जिससे कि भिंड के वातावरण बिगड़े नहीं। दूसरा मुद्दा हमारा है जो पावर मेक कंपनी है, जिस तरीके से पावर मेक कंपनी यहाँ पे काम कर रही है, 90 दिन के लिए बरसात में पूरे हिंदुस्तान खदानें बंद हो जाती हैं, जिससे जीव जंतु अपने क्या मछलियाँ प्रजनन करती हैं, बच्चे देती हैं, अंडे देते हैं। इस समय पे अगर फिर भी बंदी खुदाई होगी तो आगे चल के हमारे जल के जीव जंतु खत्म हो जाएंगे, जली जंतु खत्म हो जाएंगे और रहेंगे नहीं, तो नदियाँ बचेंगी। उसके अलावा अभी आईजी साहब आए थे भिंड में कुछ दिनों पहले, जिस रेत के डंप को सील करके गए थे वो पूरा उठा लिया गया। सुनने में तो ये तक आ रहा है पावर बैंक कंपनी वालों का कहना है कि हमने तो भैया ऊपर पैसा पहुंचा दिया, किसको पहुंचा दिया उन्होंने, जिससे अब तो हम जो मन में आएगा वो हम मनमर्जी काम करेंगे। उनकी कोई रेट ही नहीं है कि भैया कितने गर्मीटर रॉयल्टी काटना चाहिए, रेट लिस्ट लगाएं कितनी रॉयल्टी उन्हें काटना चाहिए, कितने नाके लगाना चाहिए, कहीं कुछ है ही नहीं। स्थिति वही पैदा कर रहा है जो कुछ समय पहले तक भिंड की स्थिति थी, गोलियां चलती थी, कई लोग मर रहे थे। अब अगर ये सब स्थितियां बनती इसका जिम्मेदार कौन होगा? पावर में कंपनी होगी क्या, खुद भाजपा सरकार होगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? उठाने तैयार है, यहाँ कोई घटना घटित होती है तो पावर में और भाजपा सरकार दोषी रहे इसमें। जब कंपनी खदान चला रही है तो खदानों को गोलियां चलने की सूचना आ रही है? बिल्कुल आ रही है, ये तो होगा ही। क्या है इनके कोई नीति नियम ही नहीं है कि कहीं की रॉयल्टी तो ऐसे बढ़ रही है, परचून की दुकान हो, कहीं कोई खड़ा है, कहीं कोई खड़ा है, कहीं कुछ है ही नहीं। जबकि इन 90 दिनों में मेरा सिर्फ यही कहना है, जली जंतु को बचाने के लिए 90 दिन खदान बंद रहनी चाहिए। उसके बाद भी खदान रेत नदियों में रेत निकाला जा रहा है, जिस मशीन पर पाबंदी है, पनडुब्बी कहते हैं पनडुब्बी को, वो पनडुब्बी डली है नदियों में, वो काम कर रहे हैं। आपका आरोप क्या है? यहाँ जो अवैध उत्खनन चल रहा है, इस अवैध उत्खनन के पीछे पूरा भाजपा सरकार का, शिवराज सिंह जी का हाथ है। खुले मन से, खुले दिल से मैं बोल रहा हूँ, और चुनाव जो अभी आ रहे हैं, उपचुनाव को मद्देनजर रखते हुए उनको साफ जो छूट दे दी गई है वहाँ के जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, कि आप तो जैसे भी काला पीला करना हो करो, बस हमें तुम सीट जिता के दो। क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, हम तो इसका पुरजोर विरोध करेंगे। अगर सरकार फिर भी नहीं मानेगी तो हम सड़कों पर उतर कर आंदोलन करेंगे। फिर जिस तरीके से ये लोग, क्या कोरोना सिर्फ कांग्रेस के लिए है, भाजपा सरकार के लिए नहीं, उनके लिए कोई नीति नियम नहीं है, सिर्फ विपक्षियों के लिए नीति नियम है। तो इनकी कथनी करनी में बहुत अंतर है। इस चीज़ का हम घोर विरोध करते हैं और जरूरत पड़ेगी सड़कों पर उतर कर भी हम आंदोलन करें।